नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लव देसाई मिशन ओमनियोजस से। हम लोग डॉक्टर खद्रवली सर को जानते हैं और पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर खद्रवली सर मिलेट्स के बारे में उसके लेक्चर हम सुनते हैं। मगर आज सर अहमदाबाद में हैं और मुझे मौका मिला है, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आके हमें क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्यों ना हम खद्रवली सर से ही हम पूछें। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। आपका पूरा जो लिटरेचर था मैंने पढ़ा, तो उसमें मैंने पाया कि आप पहले यूएसए में थे, आपकी शुरुआत की स्टेज में, और वहां से यूएसए छोड़ के आप इंडिया आ गए। तो ये आपने क्यों किया? क्योंकि यूएसए में सब कुछ अच्छा था और हम लोग तो यूएसए जाना चाहते हैं, और उल्टा आपने वहां से इंडिया में फिर आए, ऐसा क्यों सर? क्योंकि मैं वहाँ एक बहुत शॉकिंग इंसिडेंट, बहुत गंभीर सन्निवेश हम फेस किए थे। कहाँ एक छोटी सी बच्ची 6 साल उम्र की, ये ऋतुमास मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हुआ है उसको, वो तो बहुत बुरा लगा हमको। ये क्या कर बैठे है ये मानव साइंस के नाम पर? वो तो डेवलप्ड कंट्री कहला जाता है अमेरिका। सो वहाँ ऐसा हो रहा है कि सारे बच्चियाँ 9 साल के उम्र में, बहुत सारे बच्चियों को ये ऋतुमास चक्र लगा रहा है। तो यह बहुत बुरा बात है कि हम मानव का स्वरूप ही बदल रहे हैं। सो ये ऐसा क्या किया है ये लोग, ऐसा हो रहा है वो बच्ची को। और ये निकला हमारा रिसर्च में, परिशोधन में, कि ये कृतक रूप से बनाया हुआ दूध ही उसका कारण है। सो ये HF जर्सी, ये गाय तो हमारा था एक्चुअली, हमारा यहाँ से ले गए है, और उसको जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, जेन्यूम आरपीडी, ये सब कुछ साइंस के नाम पे करा के वो दूध पिलाने से बच्चियों को ये हार्मोन इम्बैलेंस के वजह से हो रहा है। ये बहुत बुरा बात है, वो तो साइंस कैसा होता है। सो हमको वही दिन मालूम हुआ कि ये सब हमारा देश में नहीं होना है। हमारा बच्चियों को ये खराब जीवन, ये धीरा सा जहर हम नहीं पिलाना है। सो ये सोच के हम वापस आने के तैयार किया है। और इस दौर में हमको हर चीज़ हमारा मुंह में जाना है उसको परिशोधन करने लगा। सो ये फूड मामला का सब कुछ ये मायाजाल एक कॉरपोरेट वालों ने रचा रहा है, ये सब हमको धीरे धीरे से सब कुछ हमारा दिमाग में आ गया। तो हम सोचा क्यों हम वापस ना जाए, हम हमारा लोगों को ये सब बताए, ताकि हम आने वाला पीढ़ियों को एक स्वास्थ्य समाज का विचार बांटने का और सोच लगाने का एक काम करे। इसलिए हम भारत देश वापस आए। नहीं सर, मैंने ये पढ़ा था कहीं पे, शायद आपसे सुना था, कि सर उस टाइम आप जब अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, तो आपके दिमाग में वही ख्याल थे कि वहां जाएंगे कुछ पैसे वैसे बनाएंगे, वो ख्याल था। आपकी उम्र भी छोटी थी, तो वहां आपको पैसे बनाने थे, आप कमाने गए थे, और वो सब तो चल रहा था। अमेरिकन्स दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट पीपल, दे नो एवरीथिंग। फिर आपको क्यों ऐसा दिल पे आ गया और वापिस आ गए? दे आर इंटेलिजेंट पीपल ऑल राइट, बट they are not wise people. They are spoiling the nature. They are spoiling the nature of human race itself. ये क्या हुआ है, हमारा स्पर्म काउंट को में भी असर पड़ रहा है, वो ये सब ये फूड के वजह से हो रहा है। तो ये पैसा का लालच
वही दिन चल गया हमारा दिमाग से। पैसा तो कुछ भी नहीं कर सकते है, क्योंकि ऐसा काम पैसा होने से ही वजह से हो रहा है। सो इट्स नथिंग टू डू विथ मनी। ये हमारा देश का स्वातंत्र और देश का एक रूप रेश बदल रहे हैं हम, ये सो कॉल्ड साइंस से टेक्नोलॉजी से। हमारा देसी आहार, देसी संस्कृति खराब हो रहे हैं। सो ये तो हम बचाना है, बचाने के लिए हम उस तरह ध्यान देना है। सो उस दिन से हम हमारा देसी संस्कृति का वैज्ञानिकता को ढूंढते निकले। से ऐसा हुआ, बहुत सारा हमारा चीज़ और हमारा रिवाज बहुत वैज्ञानिक है। सो वही हम काम पे लगे हुए हैं। सर आप जो बता रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ, मगर आपको लग रहा है कि आप अकेले जो काम कर रहे हो या करोगे तो ये दुनिया बदल जाएगी सर? हाँ, एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ वन पर्सन। ट्रिलियन को बनाने में एक का जरूरत है, एक तो पहले लगाना है, उसके बाद हम जीरोस ऐड कर सकते हैं। तो एक नहीं है तो ये जीरोस का वैल्यू क्या है? सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम समवन। तो मेरे साथ शुरू हुआ है, होने दो। ओके सर, एक और सवाल है कि मिलेट्स तो सर बहुत पुराने हैं और आप भी बता रहे हो, और हम तो नए जमाने के लोग हैं और नए जमाने की जो रिसर्च है उसके मुताबिक हम चलते हैं सब चीज़ों में, तो खाने में भी हम मॉडर्न लोग हैं, और आप आगे जाने की बजाय हम पीछे क्यों लेके जा रहे हो हमको? आपका सवाल तो सही नहीं है, हम आगे ही जा रहा है। मिलेट्स खाने से क्यों समझ रहे हैं हम वापस बैक जा रहे हैं? नहीं सर, हमने तो जब हमारा बर्थ हुआ तो हमने कभी मिलेट देखा नहीं सर। देखा नहीं है, ये तो ये पिछला 50 साल से हो रहा है, लेकिन हजारों साल मानव जाति ने ये धान को खाया है, बहुत स्वास्थ्य जीवन बिताया है। सो ये नहीं समझना आपको हम मिलेट्स खाने से हम आपको वापस ले रहे हैं। बहुत सुंदर भविष्य हमारे लिए बनाने के लिए ही ये मिलेट्स का प्रयाण बहुत बहुत ज़रूरी है। सो हम आगे जाने के लिए ये मिलेट्स का बात कर रहे हैं। सर मिलेट्स के बारे में आप बता रहे हैं, मगर आप दूध के पीछे क्यों पड़े हैं? दूध हमारी संस्कृति में पहले से पी रहे हैं, हम छोटे गांव में थे तब से लोग दूध के बिना सोते ही नहीं थे, सुबह में दूध, शाम को दूध, और दूध तो ऐसी चीज है जो हमारे अंदर ऐसी घुस चुकी है। और आप शायद सर हमें बहुत आद कर रहे हो, क्योंकि दूध पे तो हमारा पूरा इंडिया है, पीता है इंडिया, हम जानते हैं दूध का इतना बड़ा बिजनेस है और दूध अच्छी चीज है, दूध में कैल्शियम मिलता है, मगर आप कहो ना कहो आप लोग दूध के पीछे क्यों पड़ जाते हो? हम किसी के पीछे नहीं पड़े हैं, ये हम वैज्ञानिक बात कर रहे हैं कि दूध गाय किसके देता है? आपका दूध, आपका माँ का दूध आपके लिए है, गाय का दूध गाय का बिछड़ा के लिए है। सो आपका दूध को पाचन नाल में डाइजेस्ट करने का, पाचन करने का ये शक्ति, ये कार्यक्षमता 2 या 3 साल के अंदर बंद हो जाता है। जेनेटिकली वी स्विच ऑफ द एंजाइम। तो इसी है वजह मैं बोलने का, यही है दूध मत पियो, बिकॉज वी के नॉट डाइजेस्ट द मिल्क, बस इतना ही। नहीं सर, उसमें ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हो कि दूध पीने से ये स्विच ऑफ वाली चीज हमें तो समझ में नहीं आती, मगर वो तो आप नहीं थे, उसके पहले भी दूध पीते थे हम, तब तो कुछ नहीं होता था। हाँ, पहले दूध पीते थे, किसका दूध? हमारा देसी गाय का दूध पीते थे। तो देसी गाय का दूध पी सकते हैं क्या? नहीं, वो भी नहीं पी सकते, क्योंकि देसी गाय सबके लिए दूध नहीं दे सकती। मानो आप पी रहा है, कितना
देसी गाय कितना दूध दे सकती नहीं, मैं तो सर गाय रख सकता हूँ घर में और उसका दूध मैं क्यों ना पीऊं? इसीलिए कि आपको ऑटो इम्यून डिजीजेस वो पैदा कर सकता है, आपका हार्मोन इम्बैलेंस खत्म हो जाता है, आपका स्पर्म काउंट कम हो जाता है और बहुत सारा हार्मोन इम्बैलेंस रिलेटेड डिजीजेस को आप स्वागत कर रहे हैं। सर ये बात मुझे समझनी पड़ेगी कि 100 साल पहले लोग जीते थे, दूध पीते थे और 10-10 12-12 बच्चे पैदा करते थे और आज आप बोल रहे हैं कि दूध से मेरे स्पर्म काउंट खत्म हो जाएंगे, दो बात कैसे मैच नहीं होती? हाँ, पिछले 100 साल के पहले दूध नहीं थे, नहीं थी, क्योंकि गाय भी बहुत कम थे और गाय का दूध बहुत कम मिलते थे। अच्छा। एक देसी गाय का दूध हाँ। 1 लीटर से ज़्यादा 2 लीटर से ज़्यादा नहीं मिलता है। इसमें वो बिचड़ा को गाय दूध देने के बाद हम बचा हुआ वो दूध तो बहुत बहुत कम है, मगर नहीं है। कुछ जमींदारी लोग, कुछ किंग्स वगैरह पी सकते थे, आम आदमी को दूध का कोई मिलता नहीं था, दूध नहीं मिलता था। सो कोई बचा हुआ जरा सा दूध दही बना के छाछ बना के पीते थे। तो छाछ पीनी चाहिए? छाछ पीनी चाहिए नहीं, छाछ पी सकते हैं क्योंकि वहाँ फर्मेंटेशन होता है। okay. लैक्टोबैसिलस, वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन विश्लेषण यही है कि आप वो पी सकते हैं। सो इसीलिए आप सूक्ष्म अंदाज में आप ये मानना है कि हमारा देसी संस्कृति में दाल बाटी छाछ बोलते थे। अच्छा, दाल बाटी दूध नहीं। ओके। और ऐसा ही और एक कहावत है ना हमारा, कृष्ण कन्हैया मक्खन का चोर है, दूध का चोर नहीं था। तो आप दूध पी सके, क्यों हमारा कन्हैया दूध को नहीं चुराया? सो क्योंकि उसको मालूम है दूध नहीं पीना है, मक्खन खा सकते हैं, फर्मेंटेड दही भी सही नहीं है आपको, वो जरा पानी मिला के छाछ पी सकते हैं। अरे सर, गुजरात में तो हम छाछ के बिना रह ही नहीं सकते और दही भी बहुत खाते हैं। हाँ, दही मत खाना, छाछ पीना सही है। okay. कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है आपके लिए। इसके अलावा आपको कैल्शियम ऑब्जर्व करना है तो छाछ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, दूध से हम कैल्शियम को हमारा शरीर में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। सर ये दूध और दही की बात कर रहे हो, आपको डेयरी वाले से कोई डर नहीं लगता? डरने का बात क्या है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, हम बात कर रहे हैं। नो सच थिंग्स। सर ये सब चीजें आप करते हैं, ये दूध नहीं पीना है, दही नहीं खाना है, गेहूं चावल की बात करें तो गेहूं भी हम तो जब से पैदा हुए गेहूं और चावल सुबह शाम नहीं खाते तब तो हमारा पेट भरता नहीं है, और जट से आकर आपने कल से बोल दिया कि गेहूं बंद कर दो, चावल बंद करो, इसे डायबिटीज होता है, इसे वो होता है, तो ये ऐसे कैसे रातों रात ये सब चेंज आने लगा? और रातों रात हम आपको नहीं बता रहे कि बदलाव करो, धीरे धीरे बदलाव करो, क्योंकि बहुत सारा वैज्ञानिक कारण है हम क्यों ये चावल और गेहूं नहीं खाना है। पहला कारण, गेहूं में तो ये ग्लूटेन, आप ये मानो सब लोगों को मालूम हुआ है कि ग्लूटेन सही नहीं है हमारा पेट के लिए। आप तो गेस्ट्रोएंटेरोलॉजी भी कहते हैं। हर देश में ये बात फैल रही है, बिकॉज ये बात ये मानना है आपको, ये गेहूं चावल एक कॉरपोरेट वर्ल्ड का क्रिएशन है, वो बहुत सारा काम करके हमारा मुंह में ये दो दाना डाल रहे हैं और ये खाने का लायक नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ग्लूकोज इम्बैलेंस हमारा खून में ये दो दाना कर सकते हैं, वो ही कर रहा है। सो हमारा ग्लूकोज इम्बैलेंस है सब बीमारियों का फाउंडेशन, बुनियादी बोलते हैं ना, वो ऑडिकल फाउंडेशन। यस यस, या ये बहुत बुरा काम कर रहे हैं हम, इसलिए हम बोल रहे हैं ये चावल, सफ़ेद चावल, और क्योंकि बहुत सारा चावल है हमारे पास। अच्छा। कोडो चावल है, कंगनी है,
कुटकी है, बहुत सारा चावल का नहीं, उसमें पेडी राइस जितना टेस्ट नहीं आता है सर। पेडी राइस में टेस्ट नहीं है, आपको टेस्ट आ रहा है बहुत सारा मसाला डाल के बहुत अच्छे अच्छे खाना पका रहे हैं। वो तो हमारा भारत देश का एक बहुत अंदाज का संस्कृति है, हर जगह में हमारा पाका तज्ञ इतना अच्छा है कि जगह से जगह पे हम बहुत सारा वैविध्यमय पदार्थों को हमारे रसोईघर में बनाते हैं। ऐसा गुजरात में अलग होता है, आंध्रा में अलग होता है, महाराष्ट्र में अलग होता है, ये हमारा संस्कृति का एक बहुत सुंदर अंदाज का जगह है। आई डोंट थिंक देर इज एनी प्लेस इन द वर्ल्ड ऐसा है, बहुत वैविध्य रीत में बहुत बहुत सारा ब्यूटीफुल डाइवर्सिफाइड फूड प्रैक्टिसेस हमारा देश में अभी भी बाकी है, ऐसा तो आप अंदाज को कम नहीं करना है। सो वी हैव टू ईट डाइवर्सिफाइड फूड्स, इसी विश्लेषण में हम बोल रहे हैं, हम बहुत सारा डिफरेंट अनाज को हमारा खाने में इस्तेमाल करना है। सर ये आपने कुछ ग्लूटेन बोला, गेहूं में होता है ग्लूटेन, तो मेरे हिसाब से कुछ अच्छी चीज है, कहीं पे मैंने पढ़ा कि कुछ ग्लूटेन हमें चाहिए नहीं, ग्लूटेन तो बहुत बुरा प्रोटीन है विच कैन एक्चुअली ट्रबल योर न्यूट्रिशनल अब्जॉर्प्शन ऑफ मेनी थिंग्स, हमारा गट के लिए बहुत बुरा है वो, सो नेवर एवर थिंक ग्लूटेन इज गुड फॉर यू, इट इज गुड फॉर द कंपनीज, क्योंकि बहुत सारा चीज बना सकते हैं लोग बिकॉज ऑफ ग्लूटेन, आप ये पराठा फुल्का ये सब ईजी से बनता है, वेरी ईजी टू मेक कमर्शियल प्रोडक्ट्स, इसी से वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सर ये फास्ट जमाना है और हमें फास्ट चीजें खानी है और अच्छी चीजें खानी है, तो उसमें गेहूं खाने में क्या प्रॉब्लम है? गेहूं का प्रॉब्लम ग्लूटेन एक है, और दूसरा यही है कि हमारा खून में ये आटा का, गेहूं का आटा खाने से दो चीज हो रहा है, एक आटा बनाने में हमको एक चीज अलोक्सान एक केमिकल जैसा ब्लीचिंग पाउडर जैसा केमिकल हो जाता है, वो तो बहुत बुरा है, हमारा ये मेदजीरक का अंग पैंक्रियास के लिए बहुत बुरा है, वो बीटा सेल्स का हम इंसुलिन उत्पादन करते हैं, इंसुलिन तो हमको बहुत जरूरी हार्मोन है, हमारा ग्लूकोज खून में बहता हुआ ग्लूकोज को हर जीव कोश के अंदर लेने के लिए ये हार्मोन बहुत जरूरी है। सो आप इस जरूरी हार्मोन का उत्पादन करने जागा में जाकर आप सर्वनाश करने का एक इंतजाम कर रहे हैं एक खाने से, इसीलिए गेहूं खाने वाला बहुत सारा लोगों में ये प्रॉब्लम हो रहा है। सो ग्लूकोज इम्बैलेंस एक तरह कर रहा है, और ग्लूकोज को बैलेंस करने वाला इंसुलिन को खत्म करने का काम भी वो कर रहा है, सो इट्स वेरी डेंजरस टू ईट दिस, इसीलिए हमारा भारत देश अभी हमें बहुत जोर से पुकार रहा है कैपिटल ऑफ ग्रेविटीज इंडिया, ये क्या काम है हम कर रहे हैं, लोगों को डायबिटीज दिला के गेहूं खाने का सही है बोल सकते हैं, सो इट्स वेरी डेंजरस। सर गेहूं में मैंने सुना है कि काले गेहूं, रेड व्हीट, बहुत सारी बहुत सारा हेल्दी व्हीट्स है ऐसा बोल रहे हैं। देयर इज नथिंग लाइक रियली, बिकॉज वहां पे रेशा का प्रमाण बहुत कम है, ये रेशा आपका दाने में हुआ तो ये ग्लूकोज को नियंत्रण करने का शक्ति आ जाता है दाना को, सो निर्धारित रूप में हमारा ग्लूकोज धीरे धीरे खून में बहना है, वो काम गेहूं नहीं कर सकता है, वो सफेद चावल भी नहीं कर रहा है, इसीलिए दक्षिण भारत देश में भी डायबिटीज है, उत्तर भारत देश में भी डायबिटीज है, इसीलिए हम बोल रहे हैं राइस पैडी राइस और वीट का ये साइकिल को हमारा थालियों से निकालना है, ऐसा ही हम हमारा स्वास्थ्य को वापस ले आ सकते हैं। तो सर आपके हिसाब से गेहूं उगाना बंद कर देना चाहिए क्या? यस यस, दैट्स व्हेन हमारा सॉइल को भी हम सेव कर सकते हैं। वो किससे सर? हाँ, ए सी थ्री फूड्स है,
उसको उगाने के लिए बहुत सारा पानी लगाना है, बहुत सारा पानी लगाना है। सर सर आपने सी3 बोला, हाँ, हम लोग नहीं जानते सी3 क्या है। हाँ हाँ, ये सी3 फूड्स बोलते हैं चावल और गेहूं को। कहाँ हम पाइरूविक एसिड, ये सी3 यूनिट है, कार्बन यूनिट, उसके ऊपर और 3 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बिठा बिठा के ग्लूकोज बन जाता है। सो व्हाई वी कॉल दिस फूड्स, बिकॉज ग्लूकोज पहला मॉलिक्यूल है विच इज फूड फॉर अस, फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स, क्योंकि वो हम बर्न करके, भस्म करके एनर्जी को हम पैदा करते हैं हमारा जीवकोश में। माइटोकांड्रिया एक यंत्रांग तंत्रांग हमारा जीवकोश में होता है, हर जीवकोश में। ए माइटोकांड्रिया प्रोड्यूसेस ATP, शक्ति का बैटरी है ATP, उससे हमारा हर जीव प्रक्रिया को एनर्जी मिलता है। सो ए केमिकल एनर्जी को जीव शक्ति बनाने का तरीका यही है। वो ए श्वास में हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इंगाल अम्ल को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाते हैं। ये अद्भुत प्रक्रिया में हमको जीव शक्ति मिल जाता है। सो ग्लूकोज को बर्न करने से हम जी सकते हैं। सो ग्लूकोज का कंट्रोल नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुत सारा बीमारियां हम। तो सर इतनी साइंटिफिकली जो बातें हैं वो तो शायद हमारे सबके समझ में नहीं आएगी, मगर आप कहते तो मान लेते हैं कि गेहूं जो खाते हैं उसको ये सब प्रॉब्लम होता है तो ये छोड़ना चाहिए, और जो उगाते हैं उसको भी फायदा होता है और जमीन में भी फायदा होता है, गेहूं नहीं उगाने से जमीन भी अच्छी होती है। यस यस, एंड हमारा सॉइल खराब होने का पहला कारण ये पानी लगा के उसको फर्टिलाइजर डालने से द टॉप सॉइल इज गेटिंग कम्प्लीटली डिरोडेड। ये बहुत बुरा काम हो रहा है, एंड ऐसा ही हम गेहूं उगाते रहें 10-15 साल में हमारा सबका सब एग्रीकल्चरल लैंड खराब हो जाता है, बैरन होता है। सो आने वाला पीढ़ियों को खाना उगाने का तरीका हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। नहीं सर, उसमें मैंने जब तक सुना है कि गेहूं पहले तो कम होते थे, मगर जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई तो दाना बढ़ता गया और खेडूत की आमदनी का जरिया वही है। अगर गेहूं नहीं उगाएगा तो लोगों लोग खाएंगे क्या और खेडूत उगाएंगे क्या? वही हम बोल रहे हैं, ए मिलेट्स उगाने में पानी नहीं चाहिए, हमारा मिट्टी सही बनता है और खराब हुआ मिट्टी को भी हम वापस रिप्लेनिश कर सकते हैं। बहुत सारा उपलब्धियाँ हम पा सकते हैं मिलेट्स खाने से। सो इसीलिए हम सब लोगों को बता रहे हैं, दो काम हो रहा है अभी, आपका स्वास्थ्य वापस आ सकता है क्योंकि हम ग्लूकोज इम्बैलेंस को करेक्ट कर सकें और हमारा खोया हुआ मिट्टी को वापस लैंड, फार्मिंग लैंड को और एक बार हम रिप्लेनिश कर सके, सारवंत बन सके। ये दोनों काम हम मिलेट्स खाने से ही होता है। सर ये तो हुई बात लैंड की, हुई हमारे स्वास्थ्य की, हुई ये लैंड वाटर कंजर्वेशन, ग्लोबल वार्मिंग में कुछ हो सकता है ना। ये मीथेन गैस, ये चावल का फील्ड से कहाँ पे हम पानी लगाते हैं वहाँ मीथेन गैस तो हम उत्पादन करते हैं। सो और मीथेन गैस और एक जगह से आता है, ये हम खाने के लिए ये बहुत सारा कृतक गाय को हम ऐसा पैदा कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ देम, वो भी उसका अंदर से भी मीथेन आता है। मीथेन क्यों इतना बुरा है आप ये सवाल पूछ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, इट कैन कॉज 8 times मोर, यूनिट से यूनिट आप ले आते हो। अच्छा, सो मीथेन इज वेरी डेंजरस, 8 times, सम विज्ञान बोलते हैं 10 से 12 गुना खराब है। सो इट इज सो डेंजरस, दैट मीन्स वी आर प्रोड्यूसिंग फूड, उसके साथ साथ हम ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण हुआ ये गैस को भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो मिलेट्स को हम बदलाव लाने से ये सब का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है।
तो सर बात ये हुई कि हम जो कॉमन लोग हैं हमको तो ये पता है कि गेहूं खाने से स्वास्थ्य खराब होता है, तो मान लेते हैं कि अब गेहूं बंद कर देंगे, लैंड जो फार्मिंग लैंड है उसको भी फायदा होता है, और जो मीथेन की बात आपने बताई वो हम कॉमन लोगों के दिमाग में तो घुसेगे नहीं, मगर इंटेलिजेंट लोग है जो सुन रहे हैं, जो ये मेरी बात सुन रहे हैं, वो अब सोचेंगे कि अब ये मीथेन क्या है, मीथेन की साइड इफेक्ट क्या है, और उसके बारे में खुद सोचेंगे, खुद डिसीजन लेंगे। मगर सर गेहूं के बाद हमने मान लिया, आप जो कह रहे हैं तो मान लिया कि दूध नहीं पिएंगे, गेहूं नहीं खाएंगे, मगर आप तो शक्कर भी खाने नहीं देते हैं, तो शक्कर तो मीठी चीज है, और जब भी हमारे घर में प्रसंग होता है तो कुछ मीठा हो जाए, हमने एड भी देखी है ना, तो मीठा देने से तो हमारा ये फेस भी कितना गुजराती लोग तो बहुत खाते हैं। यस सर, गुजरात में तो मीठे के बिना कभी रह नहीं सकते, और गेस्ट जब आएंगे तो पहले हम मीठा खिला के उसका स्वागत करते हैं, और आप अब उसके ऊपर वार कर रहे हैं सर, ऐसा वार नहीं कर रहे हैं, हम मीठास पे वार नहीं कर रहे हैं, हम शुगर केन का शुगर पे वार कर रहे हैं, सो हम मिठास नहीं खाने नहीं खाने तो को वही तो हमारी मिठास है, यो वो शुगर केन का शुगर नहीं खाएंगे तो वही है गलती बात, बिकॉज हमारा देश में बहुत बहुत सालों से हम ए जागरी गुड़ खाते ही आ रहे हैं, वो पाम का शुगर, पाम शुगर, सिल्वर डेट पाम शुगर, खजूर पाम शुगर और टाडी पाम शुगर, ऐसा बहुत चार पांच वेराइटीज ऑफ शुगर है, और फिश टेल पाम शुगर, ये सब सब फ्रक्टोस से बनता है, फ्रक्टोस ग्लूकोस का सिस्टर है, वो ही बहुत सही है, मीठा है, एंड उस चीज हमारा शरीर में खून में कोई डिस्टरबेंस नहीं करता है, हमको स्वास्थ्य रखने का एक बहुत सुंदर तरीका है, मिठास खा सकते हैं हम, मैं क्या बोल रहा हूँ, डायबिटीज पेशेंट भी मीठा अच्छा। खा सकता है हाँ, मगर लेकिन सर गुड़ जो होता है वो काला होता है, शक्कर तो बहुत सफेद होती है, तो मिठाई भी अच्छी बनती है, ये तो आप पाम शुगर भी बन सकता है, ये व्हाइट बन सकती है, व्हाइट नहीं है, लिटिल ब्राउनिश होता है, व्हाइट शुगर नहीं खाना है, वो तो बहुत बुरा है, क्योंकि वो दे आर प्रोसेसिंग टू रिमूव दी ऑल द थिंग्स, उसमें बहुत सारा केमिकल्स ऐड हो जाता है, वो तो बहुत बुरा है, सो आप ब्राउन शुगर खा सकते हैं, और बहुत सारा मीठा चीज हम बना सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि सर की बात अगर सुने तो पहले पहले तो मैं सब सोच रहा था, जब खदरवली का लेक्चर मैंने सुना, डॉक्टर खदरवली बहुत अच्छे इंसान है, मिलेस मैन ऑफ इंडिया है, जब मैंने सुना कि वो ये गेहूं भी छुड़वा देंगे, दूध भी मना कर देंगे, शक्कर भी बंद कर देंगे, तो मैं तो सोचा खाऊंगा क्या, अब तो मुझे सुनना ही पड़ेगा, और आप तो सर खाने के तो पीछे पड़े ही पड़े हो, अभी शक्कर आपने बोल रहे हो कि शक्कर हमें नहीं खानी है, इसके जगह भी गुड़ खाना है, और वो भी वो जो पाम जेगरी खाना है, फिर आप बोलते हो दूध नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, गेहूं चावल दूध के, दूध के जगह में आप नारियल का दूध पी सकते हैं, अच्छा हाँ, रागी का दूध पी सकते हैं, रागी का दूध में तो 3 से 4 गुना ज्यादा कैल्शियम आपको डायरेक्ट मिल सकता है दूध से, आप वो गाय का दूध में भी सर कैल्शियम तो है, कैल्शियम है 928 मिलीग्राम है 1 लीटर में, आपको 1 लीटर यहाँ पे 3600 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है आपको, और तिल का दूध में तो 10 ग्राम कैल्शियम मिलता है, ये सब हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं, एंड ये हम बैरन लैंड्स में भी उगा सकते हैं, ढेर सारा दूध हम बना सकते हैं, और पर्यावरण को कुछ भी संकट नहीं बन सकते हैं हमारा दूध के वजह से, सो दूध का पाने के लिए हम बहुत सारा गाय को पालन करना है, उसको पालन करने के लिए बहुत सारा ढेर सारा फॉरेस्ट को हम कटाव करके बहुत बहुत डैमेज कर रहे हैं। सर ठीक है, ये सब बातें अगर साइंटिफिकली है तो ये तो पूरा वर्ल्ड जानता होगा जो आप जानते हैं, मगर मेडिकल क्यूरिकुलम में मैंने कभी पढ़ा नहीं है कि तिल में इतना है और शक्कर की जगह गुड़ खाना चाहिए, मेडिकल क्यूरिकुलम जो डॉक्टर बनते हैं मेडिकल कॉलेजेस जो भी हो जो भी ब्रांच में, मैंने कभी उसमें देखा नहीं कि तिल में इतना कैल्शियम है और इसकी जगह दूध में इतना कैल्शियम है, वो सब क्यों नहीं पढ़ाते, क्यों नहीं पढ़ाते, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का गिमिक है,
ये मेडिकल वर्ल्ड आपको स्वास्थ्य के बारे में नहीं काम कर रहा है, वो बीमारी आने के बाद उसको कैसे मैनेज करे, क्या टैबलेट दिए, क्या ऑपरेशन करे, ये सब के चर्चा होता है। करिकुलम में खाना का एक पेज भी नहीं है। सो यू मीन टू से डॉक्टर अच्छे हैं मगर सिस्टम में कुछ सिस्टम कुछ गड़बड़ हो गया है। सो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी डॉक्टर, वो दे आर वर्किंग इन देयर डोमेन, वो तो सही है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि ये सब कॉरपोरेट बन गया है, तो कॉरपोरेट वालों ने उसका प्रॉफिट का ध्यान करते हैं बस। क्या हो रहा है सब लोगों को, वो तो बिजनेस मॉडल है, ये सब बिजनेस बन गया है। ये तो सही बात है, आप माने या ना माने। नहीं सर, मेरे मानने से कुछ नहीं होने वाला है, जो हमारे लोग देख लोग रहे हैं को वो सब तय करेंगे, समझ में आना है। तो वही हम ये बात लोगों के सामने रख दिया है, आप लोग डिसाइड कर। हाँ वो तो, और एक बात मुझे और भी अजीब लग रही है सर, आप इतने चीजें हैं जो लोग पहले से बोल रहे थे कि दूध खाओ, गेहूं का तो कितनी सारी चीजें बनती है, शक्कर डाल के पियो, ये सब करते हैं, वो आप मना कर रहे हो, और लोग बोल रहे हैं कि आचार बुरी चीजें, आचार नहीं खाना चाहिए, आचार से वो होता है। अभी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोल रहे कि आचार मत खाओ, तीन दिन तक खट्टा नहीं खाना है, आचार नहीं खाना है, और आप आचार खाने को बोल रहे हो सर। यस, बिकॉज इट इज विटामिन सी, आम आदमी को विटामिन सी हर रोज मिलना है, जरा सा आचार खाने से आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। सो ये ही सही है। सो हम आचार ये लिए इसीलिए खाने के बोल रहे हैं, स्पेशली ये सांक्रमिक रोग का ये बहुत बुरा काल आ गया है, वो हमको बचाने के लिए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारा चीज हम सहज आहार से पाना है, वही एक ही रास्ता है। सो आचार तो हमारा देसी संस्कृत है हजारों साल से, ये आज का नहीं है, आज का नहीं है। वो अचार हम सब्जी जैसा नहीं खाना है, अचार को अचार जैसा खाना है, वो बहुत जरूरी है। अचार से हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। नहीं सर, तो आपके कहने का मतलब जो आपने बताया कि अचार में खट्टापन है, विटामिन सी है, विटामिन तो विटामिन सी इम्यूनिटी देता है। यस, तो कोरोना में क्या अचार खा सकते हैं? यस यस यस, इनफैक्ट आई हैव ईटन अचार एवरी डे ऑफ माई लाइफ। तो डॉक्टर तो बंद करवाते हैं अचार, उसका प्रॉब्लम है, क्या कर सके हम। बट अचार तो बहुत अच्छा है आपके लिए, हर रोज मैं तो हर भोजन में जरा सा अचार बहुत जरूरी है मुझे, एंड आई हैव बीन लाइक दिस फॉर आई एम 65 इयर्स ओल्ड नाउ। अच्छा, मुझे लग रहा है कि अगर डॉक्टर खदरवली सर के जो लाइफस्टाइल है उस हिसाब से कोई काम चलेगा तो मैं आचार का बिजनेस शुरू कर लूं, क्योंकि आचार चलने वाला है। नो, आचार जैसा तो गुजरात में बहुत सारा आचार बनता है, एंड वेरी वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आचार बनाने का तरीका आप लोगों को मालूम है, एंड हर जगह पे हमारा आंध्र पे yes, yes. बहुत फेमस है हमारा गोंगोरा पिकल्स, आम का पिकल्स, सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट देसी संस्कृति है ये। सर जैसे हमने बात की गेहूं के बारे में, मिल्क के बारे में, ये शक्कर के बारे में, सबके बारे में बात की। पानी के लिए, हम पहले पानी जो पीते थे वो आरओ आ गया तो अच्छा पानी हमें मिलने लगा है, फिर अब तो केंजन कुछ पता नहीं, कुछ वाटर आ गया है, हिमालयन वाटर आ गया है, और आपसे लोग पूछते थे बोला नहीं नहीं ये केंजन वाटर नहीं, आरओ वाटर नहीं, और आप कुछ प्लेट डाल के कुछ स्ट्रक्चर वोचर क्या बताते हैं पता नहीं सर आप। कुछ प्लेट नहीं है, हम ये काम बहुत पुराना 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 तरीका है ये हमारा, साधु संतों ने कहां पे जाओ ताम्र का कमंडल। तो सर हमें साधु बनना है क्या? साधु बनना नहीं है, वो क्यों करते थे, वो पानी को शुद्ध करने के लिए और रचनात्मक बनाने के लिए ये ताम्र का इस्तेमाल करते थे। वो ताम्र का महत्व यही है कि उसके ऊपर ऊपर तल में ये ऋणात्मक कण इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलता है, वो फ्री मूवमेंट है उसका, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एब्सोल्युटली पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है। और एक लोह ऐसा है वो सिल्वर है, लेकिन सिल्वर का वो फ्री इलेक्ट्रॉन का बैंडविड्थ पानी को क्लीन करने के जमता नहीं है, कॉपर का वैसा ही वैसा बैठ जाता है, वो बैंडविड्थ कहते हैं, वो 3D 4S इलेक्ट्रॉन ट्रांसिशन होती है,
वो ट्रांसिशन में वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है. सो देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच कॉपर एटम मूविंग अराउंड. वो हमको पानी को संरचनात्मक बना सकता है. वो एक क्या है रचनात्मक का मतलब, एक के एक नीचे वाटर मॉलिक्यूल्स को बिठा सकता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सही करता है. सो ये रचनात्मक पानी बहुत ज़रूरी है. हम पिछले पुराने काल में हम ये जलपात से बहता हुआ नदी में ये सब पानी ऐसा ही नेचुरल मिल जाता है. उससे हेल्थ का फायदा होता है क्या? हाँ, बहुत बहुत सारा फायदा है. रचनात्मक पानी आपका शरीर तो 75% वाटर है मालूम है, हमको 75-80% समटाइम्स. ये बहुत इसमें कोई भी पानी डालो तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, वो तो पानी सही नहीं काम कर सकता है. इनफैक्ट देर इज लॉट ऑफ गुड थिंग्स व्हेन यू हैव प्योर क्लीन वाटर. सो यही काम. एक चलो सर, मान लिया कि ये आप बात करें वो सही है, मगर ये कॉपर तांबा मनी कॉपर बोतल तो कितनी महंगी है, तो हम कॉपर बोतल इतना बड़ा तो नहीं ले सकते सब तो. हाँ हाँ, इसीलिए हम एक कॉपर प्लेट का तरीका निकाला है. सो 3 इंच बाय 12 इंच एक कॉपर प्लेट ले सकते हैं. 20 लीटर का पानी आप 6 घंटे में रचनात्मक 6 से 8 घंटे में बन जाता है. वो 20 लीटर का पानी आप रसोई घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब होता था. एंड हमारा पुराना जमाने में हर घर में एक बिग ताम्र का बर्तन होता था, उसमें पानी भर देते थे. बट वो ताम्र का बर्तन को हम हर रोज शुद्ध करना है इमली का पानी से या नींबू का पानी से. आजकल का लोग तो उतना काम नहीं कर सकते हैं, फास्ट लाइफ है, आप बता रहे हैं. इसलिए हम बोल रहे हैं मिट्टी का बर्तन या स्टील बर्तन में एक प्लेट लगा के हम पानी को. तो सर आप स्टील बोतल यूज करते हो, कॉपर बोतल, आप कौन सा पानी पीते हो? हम जब ट्रैवल करते हैं यही बोतल हमारे पास है. अच्छा. उस बोतल को देना. अच्छा, तो आप यही ये कॉपर बोतल से पीते हैं? कॉपर बोतल से पीते हैं. एंड रात में सोने के वक्त नींबू का पानी डाल के रख रह देते हैं. सो हमारा ट्रैवल बहुत हो रहा है आजकल. सो ये बोतल हम ले सकते हैं. एंड इसको डॉक्टर कॉपर बोलते हैं. बॉटल का नाम ऐसा लगा हुआ है. सो दिस मीन दिस इज द डॉक्टर फॉर यू. सो व्हेन यू ड्रिंक दिस रचनात्मक पानी, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपको, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग कहते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं. मगर सब फंक्शन में तो ये सब ठीक नहीं, प्लास्टिक ठीक रहता है पीना. वो तो बहुत बुरा बात है. ये हाइजीनिक नाम पर बहुत बुरा पानी पी रहे हैं हम. सो प्लास्टिक में पानी भरना ये सब एक कॉरपोरेट मायाजाल है. क्या है, हम पानी बेच रहे हैं, पानी को हम बेच रहे हैं. सर आपको ना बुरा लगता है मुझे दैट हमारा देश में भी पानी बेच रहे हैं लोग. हमारा पानी है एक कॉरपोरेट वाला पैसा कमा रहा है प्लास्टिक टाल में डाल के. अच्छा, वो तो हाइजीन नहीं है, बहुत धीमा जहर है वो. प्लास्टिक की बात करो. हाँ, प्लास्टिक बॉटल में पानी भरते, हम तो पानी पीते हैं ना. हाँ, प्लास्टिक का पीते हैं. वो नैनो पार्टिकल्स आ रहा है हमारा अंदर प्लास्टिक का. हाँ, प्लास्टिक का हम तेल डाल के पी रहे हैं, खा रहे हैं, अचार डाल के खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. तो प्लास्टिक हमें क्या, हमें नुकसान कैसे पता चलेगा ये प्लास्टिक से? वो हमारा अंदर गट माइक्रोब्स को भी खत्म कर सकता है ये चीज. और हमारा अंदर हाइड्रोफोबिक बन जाता है. That means it is going to repel water. And पानी तो हमको न्यूट्रिशन के लिए, absorption के लिए बहुत जरूरी है. So हम प्लास्टिक भर दिया हमारा गट में, बहुत सारा बुरा चीज हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा है. So प्लास्टिक बॉटल में पानी पीना आज से खत्म करना है आप लोग. सर आपसे इतनी बात हुई, आप ने खाने के लिए गेहूं चावल छुड़वा दिया, दूध भी छुड़वा दिया, शक्कर भी छुड़वा दिया, अब जब पानी का बोल रहे हो, पानी हमें ये पीना है कॉपर में पीना है, आचार खाने को बोल रहे हो. यस. और दूसरी बात सर, एक मैं पूछूं कि जो इतनी अच्छी खेती चल रही है जिसमें इतने सारे वेजिटेबल्स और ये दाने उग रहे हैं, और आप जंगल खेती की बात करो, जंगल से तो वापिस आए, जंगल से निकल के तो आए हैं सिविलाइजेशन में, फिर से क्यों जंगल की ओर लेके जा रहे हो? एक्चुअली आप बहुत सही पूछ रहे हैं. इन नेक्स्ट 10-20 ईयर्स
सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंस का बात हम कर रहे हैं. दे आर गोइंग टू स्पॉइल द सिविलाइजेशन जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग व्हाट यू हैव ऑल सेड. सो हमारा खेती खेती ना रहा, हम ना रहे, किस लिए हम ये काम कर रहे हैं? हमारा पूरा भविष्य को बहुत सारा प्रॉब्लम्स हम देने को, हमारा खेती खाना और जगह को हम बना रहे हैं. ये सब हो रहा है क्योंकि हम सही समझ बिठा नहीं रही है. सो ये सब बदलाव करने से ही हमारा भविष्य बनता है. इस आपका कहने का मतलब ये है कि हम गलत जा रहे हैं? यस, एब्सोल्युटली. दैट इज द वन वर्ड. हमारा रास्ता सही नहीं है, ये डेवलपमेंट नहीं है. वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. ये मानना है हमको. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन, भगवान ही हमको बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है. डॉक्टर खदर वल्ली सर से हमने कुछ सवाल ऐसे पूछे हैं जो अक्सर लोग पूछा करते हैं, और सर का कहना है कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं, जो हमने शुरू किया है, खाना खाने में जो बदलाव, खेती का जो आज हालत है, पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग का जो हालत है, वो सबका एक ही इलाज है सर जो बता रहे हैं, वो खाना जो गेहूं चावल छोड़ के मिलेट्स की ओर जाएं. आपका कहना यह है कि मिलेट्स का है, दूध पीना है तो नारियल का दूध या सहज दूध को हम सहज दूध पी सकते हैं. फिर आपने पानी को स्ट्रक्चर वाटर जो आप बोलते रहे, अगर ऐसा सब करेंगे तो सर के हिसाब से हम ठीक रहेंगे, हमारी दुनिया ठीक रहेगी. और सर एक लास्ट क्वेश्चन, आप जो पूरा कुछ खदर लाइफस्टाइल करके आपका मैंने देखा है कहीं पे, तो खदर लाइफस्टाइल के बारे में मैं आपको पूछूं, तो वो अगर मैं एडप्ट कर लूं या सबको करवा लूं, तो आपको पक्का विश्वास है कि हम सब ठीक हो जाएंगे और पूरी दुनिया बदल जाएगी? चौकस. यस सर, गुजराती में चौकस बोले. चौकस, श्योर, वेरी श्योर. चौकस. एंड वही एक ही रास्ता है हमको. हम प्रकृति से हमारा जीवन को जुड़ना है. हमारा प्रकृति दिया हुआ सहज पदार्थों को हमारा खाना बनाना है, और उसी से हमका हमारा भला है, और सब जीव राशियों का भला ही इसमें भगवान रचा हुआ है. सो हम सिंपली प्रकृति का नियम को पालन करने से ही हमारा भला होगा, और बहुत सारा पर्यावरण को भी भला होगा. सो इसीलिए हम बोल रहे हैं, खुराक बदलो, जीवन बदलो. सर को, डॉक्टर खदरवली सर को हमने कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे, और हमारा पूछने का मतलब ये था कि बहुत सारे क्वेश्चन लोगों से आ रहे थे, तो हमारा फर्ज बनता है कि सर से ही वो सुने कि ये टेढ़े मेढ़े सवाल के जवाब क्या है. हमने सर आपको थोड़ा परेशान किया, क्षमा करना. थैंक यू वेरी मच सर. ये हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम ये सवाल को समाधान दे और लोगों को एक तसल्ली मिले. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू.